किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। मैं हूं आपका किसान दोस्त विजय और आप देख रहे हैं इनोवेटिव फार्मर्स यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आपने फसलों की कटाई के लिए काफ़ी सारे रिपर मशीनें देखी होगी। आज रिपर मशीन की जानकारी लेने के लिए हम पहुंचे हैं जयपुर फार्म साथी एग्रो इंडस्ट्री में। तो हम सर से जानकारी लेंगे कि इनकी जो कंपनी की जो रिपर मशीन आती है उसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, किसान भाई इससे कौन कौन सी फसलों की कटाई कर पाएंगे और साथ ही आप इसे किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और जो किसान भाई आपको सामने से देख रहे हैं उन्हें थोड़ा सा आप अपना और कंपनी का परिचय दीजिए। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अविनाश और हमारी कंपनी का नाम है फार्म साथी एग्रो इंडस्ट्री। तो सर, जैसे हम जानना चाहेंगे कि किसान भाई अक्सर अपनी जो फसलों की कटाई करते हैं उसके लिए जैसे मजदूर काम में लेते हैं, तो आजकल मजदूरों की काफ़ी ज़्यादा समस्या हो गई। तो सर, आप ये जो रिपर मशीन लेके आए हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि मार्केट में काफ़ी सारी रिपर मशीन हमने देखी है, तो ये इसकी क्या विशेषताएँ हैं और किसान भाई कैसे यूज़ कर पाएंगे, वो थोड़ा सा बताइए। मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि ये जो मशीन है मार्केट की जो अन्य रिपरें हैं उनसे बिल्कुल ही हटके है। एक तो इसके अंदर जैसे हमने जो ये आप देख पा रहे होंगे जो बेल्ट डाले हैं तीन, इसकी फंक्शन की वजह से क्या है, जो हाइट वाली फसलें होती हैं, पहले रीपर में क्या होता था जैसे मतलब 3-4 फीट तक की हाइट की फसलें वो काटना आसान था, उससे ऊपर जाते हैं तो अपन दिक्कत आती है फसल की कटाई के अंदर। हमारी जो मशीन है मान लीजिए कि 8 से 10 फीट तक की फसल काटने में भी सक्षम है। जी। तो सर, उसके बाद हम जानना चाहेंगे किसान भाई इससे कौन कौन सी फसलों की कटाई कर पाएंगे, वो थोड़ा सा बताएं। देखिए सर, फसलों की कटाई की बात करें जैसे गेहूं है, धान है, ज्वार है, मक्का है, सोयाबीन है, चना है, जैसे रिजका बरसीम हरा चारा है, इस तरीके की मतलब जो भी खड़ी फसल है। जी, जो भी खड़ी फसल है सभी की सभी खड़ी फसलें इससे काटना बहुत ही आसान है। उसके बाद सर, जैसे हम एक चीज़ देखते हैं किसान भाई अक्सर हमसे पूछते रहते हैं कि हम रिपर मशीन को जब यूज़ करते हैं तो हम इसे कितनी ज़मीन से ऊंचाई से अपनी फसलों की कटाई कर पाएंगे, वो थोड़ा सा देखिए सर। मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि ज़मीन से 1.5 से 2 इंच, मतलब 1.5 से 2 इंच का एरिया लेके ये मशीन चलती है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ऊपर या नीचे से काटना चाहते हैं। तो सर, अगर हम इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें जो इंजन वगैरह लगे हुए हैं उसके बारे में आप थोड़ा। तो विजय जी, इसके अंदर हमने 5 HP का डीजल इंजन जो यूज में लिया है जो कॉटन ग्रेविस कंपनी का है, जो बहुत ही शानदार डीजल इंजन होता है। जी, ठीक है। चलने के अंदर भी उसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। एवरेज की अपन बात करें तो एवरेज भी बहुत ही बढ़िया रहता है। और ये मान लीजिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब ऐसा डीजल इंजन है कि किसी भी एरिया में चलने में सक्षम है और कहीं पे भी मतलब आप उसको जैसे देखो मशीनरी है तो कोई मशीनरी के अंदर कुछ भी होनी अनहोनी होती रहती है, कोई छोटा मोटा काम करवाना है तो डीजल इंजन इसका ऐसा है कि कहीं भी किसी भी एरिया में आसानी से इसका काम हो सकता है। तो सर, उसके बाद जैसे हम ये चीज़ जानना चाहेंगे किसान भाई अगर इसे यूज़ करते हैं तो आजकल फ्यूल की कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो लगभग इसे 1 घंटा अगर हम चलाते हैं तो उसका फ्यूल कंजप्शन कितना आएगा, और साथ ही अगर 1 घंटा आप चलाते हैं तो कितनी ज़मीन तक अपनी फसलों की कटाई कर पाएंगे, वो थोड़ा सा। देखिए विजय जी, यदि फ्यूल कंजप्शन की बात करें तो मशीन का फ्यूल कंजप्शन प्रति बीघे के हिसाब से 500 से 700 ml के लगभग रहता है, जो निर्भर करता है कि फसलों की कटाई आप किस प्रकार की कर रहे हैं, कौन सी फसलें आप काट रहे हैं, किस एरिया में आप चला रहे हैं, वो भी इसके ऊपर डिपेंड करता है। और यदि घंटे भर की बात करें तो लगभग 1 घंटे के अंदर 2.5 से 3 बीघा तक आप आसानी से इससे कट कर सकते हैं। जी, तो सर उसके बाद जैसे हम ये जानना चाहेंगे कि किसान भाई अगर इसे यूज़ करते हैं तो इसे किस तरीके से ऑपरेट कर पाते हैं, ऑपरेटिंग का सिस्टम क्या है, वो थोड़ा सा बताइए। सर देखिए, ऑपरेट करना बहुत ही आसान है। हमने जो पूरा का पूरा सिस्टम जहाँ से किसान भाई चलाते हैं पूरा आगे करना है, रिवर्स है, फॉरवर्ड है, जो भी है, या फिर अपने को रीपर चलानी है, रीपर का टायर चलाना है, या फिर ओनली इंजन चलाना है, तो इसके लिए अलग अलग मतलब गियर सिस्टम दे रखा है, तो वो मैनेज करना मतलब ये मान लीजिए कोई बड़ी बात नहीं है। आसानी से 15 से 20 मिनट के अंदर यदि कोई किसान भाई इसको चलाएंगे तो आसानी से चलाना सीख जाएंगे। उसके बाद सर, हम बात करते हैं कि जैसे अगर किसान भाई ने आज ये मशीन ली तो उसके बाद जैसे किसानों को सर्विस का मेंटेनेंस क्या रहता है, या फिर किसानों को कोई पार्ट्स की अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो कैसे अवेलेबल होते हैं, वो थोड़ा सा बताइए। सर हमारी मशीनरियों की सर सबसे बड़ी खासियत यही है कि हमारी कंपनी किसान भाइयों की जो मशीनरी होती है उसके ऊपर लाइफ टाइम के लिए सर्विस हमारी कंपनी फ्री प्रोवाइड करवाती है। तो मतलब कोई भी पार्ट्स है, किसी भी टाइप का पार्ट्स आप हमसे जब चाहें देश के किसी भी कोने में मशीन मंगवाने के बाद कहीं भी मंगवा सकते हैं, हमारे पास मशीन से संबंधित सभी प्रकार के पार्ट्स उपलब्ध रहते हैं। हाँ, तो सर इसको चलाना जैसे बहुत ही आसान है, पहले भी मैं बता चुका हूँ किसान भाइयों को, ऑपरेट करने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम है वो यहीं से ऑपरेट होएगा। जैसे अपने को आगे पीछे करना है मशीन को या ब्लेडों का मूवमेंट करवाना है उसके लिए, और ये जैसे रस्सी से स्टार्ट होता है खींचने से, ठीक है, और ब्लेडें हैं
तो इसके अंदर जो ब्लेडें हमने लगाई हैं वो बिल्कुल ही हाई कार्बन स्टील टाइप की ब्लेडें हैं, जो मतलब उनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा रहती है और इतनी आसानी से टूटती नहीं है। और इस मशीन के अंदर हमने एक स्पेशल फंक्शन इस टाइप का डाला है कि यदि काम करते करते बीच में कोई हार्ड चीज़ आ जाती है बाय द वे, तो अपनी ब्लेडों का मूवमेंट रुक जाएगा और इसका जो फैन बेल्ट है वो बिल्कुल फ्री हो जाएगा। तो क्या मतलब ब्लेडों का टूटने का खतरा भी बहुत ही कम रहता है। यदि अपन देखें मशीन के टायर, जो टायरों के साइज़ देखें, तो ये बिल्कुल ही इंडियन जो है उसके अपने जो इंडिया के फील्ड होते हैं, खेत होती हैं, उन्हीं के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, जो काफ़ी बड़ा साइज़ है ताकि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत ही आसान रहता है। आप देखेंगे जैसे ये अपन ने इसके अंदर ये दिए हैं जो पट्टे दिए हैं, तो ये तीन पट्टे इसके अंदर डाले हैं ताकि जो हाइट की जो क्रॉप्स होती हैं, जो हाइट वाली फसल होती हैं, उनको काटना भी इजी है। और इन पट्टों के अंदर सबसे बड़ी बात ये है, जैसे काम करते टाइम ये पट्टे मान लीजिए यदि लूज हो जाते हैं, तो उनको टाइट करने के लिए हमने ये फंक्शन, आप देखेंगे यहाँ पे ये टाइट करने के लिए ये फंक्शन यहाँ पे नट बोल्ट की सेटिंग डाली है, ताकि कभी भी अपने पट्टे लूज होते हैं तो अपन इसको आसानी से टाइट कर सकते हैं। सर उसके बाद इसकी जो प्राइस है वो प्राइस कितनी, वो थोड़ा सा बताइए। सर यदि कीमत की बात करें तो मशीन की कीमत है हमारी मात्र 1,40,000 रुपये, जिसके अंदर हम किसान भाइयों को घर तक की पहुँच देते हैं और जो इंजन है उसके ऊपर 1 साल की हमारी कंपनी की वारंटी रहती है। जी तो सर उसके बाद जैसे किसान भाई चाहे कि मैं इस मशीन को परचेज करना चाहता हूँ या फिर आपसे कोई ज़्यादा डिटेल लेना चाहे, तो वो कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर कोई आपसे परचेज करना चाहे तो उसकी क्या प्रोसेस रहेगी, वो थोड़ा सा बताइए। सर देखिए जो भी किसान भाई हमसे मशीन मंगवाना चाहते हैं या तो हमारे यहाँ पर विजिट कर सकते हैं कंपनी स्टोर पर, जैसे फार्म साथी एग्रो इंडस्ट्री जो जयपुर के अंदर है राजस्थान के अंदर, वहाँ पर विजिट करके देख के ले सकते हैं। यदि कोई किसान भाई चाहे कि हमें घर बैठे मशीन मंगवानी है, तो हमारे यहाँ ऑर्डर लगा के एक नॉर्मल जो मिनिमम अमाउंट है हमारा 10,000 रुपये का, 10,000 रुपये कंपनी खाते में डलवा के घर बैठे भारत के किसी भी कोने में आप आसानी से मशीन अपने घर पे मंगवा सकते हैं। और मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा, डीजल के अलावा हमारे पास पेट्रोल का जो वेरिएंट है जी, पेट्रोल का इंजन भी हमारे पास उपलब्ध रहता है, जिसकी कीमत हमने रखी है मात्र 1,30,000 रुपये। सर जैसे हम काफ़ी दूर आपके पास आए हैं और किसान भाइयों को ये प्रोडक्ट दिखा रहे हैं जी, तो आप हमारे जो व्यूवर्स हैं या फिर जो किसान भाई हमारे चैनल से जुड़े हैं उन्हें आप हमारी तरफ से क्या गिफ्ट देंगे, वो थोड़ा सा बताइए। सर आपके चैनल के माध्यम से जो भी किसान भाई हमसे रीपर मशीन मंगवाते हैं, तो हम जैसे ब्लेड हैं, ब्लेडों का एक सेट किसान भाइयों को बिल्कुल फ्री मशीन के साथ में देंगे। तो किसान भाई सर ने काफी अच्छा ऑफर दिया है, तो आप अभी जाइए हमारे चैनल के ऊपर, इस वीडियो के जो ऊपर नंबर दिए गए हैं, आप सर से कॉन्टैक्ट कीजिए और इस मशीन को आप परचेज कीजिए, ताकि आपको जो ब्लेड का सेट है वो बिल्कुल यहाँ पे मुफ्त मिलने वाला है। तो सर आप काफ़ी यूनिक प्रोडक्ट और काफ़ी अच्छी मशीन हमारे किसान भाइयों के लिए लेकर आए हैं जी। तो किसान भाइयों उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और इस मशीन के बारे में एक अच्छी जानकारी मिली होगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही अगर सर से आप ज़्यादा डिटेल लेना चाहते हैं इस मशीन के बारे में या फिर आप इसे परचेज करना चाहते हैं, तो सर के जो मोबाइल नंबर है वो कंपनी के आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे, साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से सबसे ज्यादा डिटेल इसकी प्राप्त कर सकते हैं और इस मशीन को मंगवा सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, साथ ही दूसरे किसान भाइयों को इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलेंगे इसी प्रकार के एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।